नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। क्योंकि फिलहाल अभी एक ही मुद्दा जो कि गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है वो है बाबा सिद्दीकी की हत्या, और इस हत्याकांड को लेकर पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। कई सारे सवाल हैं जो कि लोगों के मन में है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से दो आरोपियों को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, एक आरोपी फरार बताया जा रहा था। हालांकि आरोपियों की गिनती को लेकर भी अभी भी संशय बना हुआ है, जांच चल रही है। लेकिन इन दोनों आरोपियों को लेकर कहा जा रहा है कि एक जो शूटर था वो हरियाणा से था और एक शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच से था। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मेरे साथ में अरुण भी हैं जो कि ये बताएंगे थोड़ा विस्तार से कि आखिर शूटर कौन थे, कहां से थे, किस गैंग से थे और अभी तक जो जांच पड़ताल है उसमें क्या क्या सामने आया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं घटनाक्रम पे बात करना चाहूंगा किस तरह से कल जो था दशहरे का पावन दिवस था और मुंबई में जो है शाम में अचानक एनसीपी के बड़े नेता इनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी, सरकार मिलने वाली थी, ऐलान हुआ था जब मतलब डिप्लॉयमेंट होता उससे पहले। इससे पहले उन्हें धमकी दी गई थी जिसके बाद वाई प्लस सिक्योरिटी की बात की गई थी और उन पर गोलियां बरसाई जाती है, 6 गोलियां फायर होती हैं और 3 अनफॉर्चुनेटली उन्हें लगती हैं और अस्पताल ले जाते हैं, उनकी जो है मौत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी क्योंकि एक छोटे मोटे नेता नहीं है वो, महाराष्ट्र में बड़े नेता है, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने हाल ही में एनसीपी ज्वाइन की थी, फरवरी 8 फरवरी को उन्होंने एनसीपी जिटगुट का जो है दामन थामा था। और देखिए, जब आप आरोपियों की बात कर रहे हैं, यूपी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट में 4 आरोपी होने की भी बात कही जा रही है, तो उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 1 जो है फरार बताया जा रहा है। जो 2 गिरफ्तार किए गए हैं, जैसे आपने बताया कि हरियाणा का है और एक यूपी का है, और एक और आरोपी है जो फरार चल रहा है, उसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है, और वो जो आरोपी है वो भी यूपी का ही बताया जा रहा है। तो 2 आरोपी जो है वो यूपी के बताए जा रहे हैं और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 18 से 19 साल की उम्र के ये आरोपी हैं। और लगातार जो 2 आरोपी जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र पुलिस की ओर से, लगातार पूछताछ की जा रही है किस गैंग से कनेक्शन था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। हालांकि शुरुआती तौर पर पुलिस की ओर से ये बयान सामने आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है और जो फरार आरोपी है हो सकता है कि उसने इस हत्या का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो। और इसी बीच ये अपडेट भी आई थी कि जो बिश्नोई गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर जेल में बंद है, उसकी गैंग की ओर से ये हत्या करवाई गई, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल, अभी हाल ही में बिल्कुल सही बात है, वायरल हो रहा है, और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि उनने हत्या की जो है जिम्मेदारी ली है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हत्या, कि जो भी सलमान खान के साथ थोड़ा सा ज्यादा करीबी दिखाएगा तो वो अपना हिसाब कर ले, कुछ काइंड ऑफ पोस्ट शेयर किया गया। लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को भी थ्रेट कर चुके हैं, वो चाहे वो हिरन। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है अरुण, वो ये कि देखिए सलमान खान के करीबियों की बात की जा रही है, एपी ढुल्लो की बात करें, उनके बंगले पर भी फायर हुआ था, अगर हम गिपी गरेवाल की बात करें तो उनके बंगले पर भी फायर हुआ था, जिसको लेकर ये जिम्मेदारी जो बिश्नोई गैंग की तरफ से ली भी गई थी। तो ऐसे में सबसे पहले जो इस मामले को लेकर अंदेशा जाता है, डाउट होता है, तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर ही होता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही शायद हो सकता है कि ये मर्डर कराया गया हो। हालांकि ये भी जानकारी है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, उन्होंने भी यही कहा है। लेकिन देखिए, वो वाली बात है कि किसी के ऊपर आरोप लगाना अपने आप को बचाने के लिए, किसी दूसरे दल को बचाने के लिए, किसी दूसरे गैंग को बचाने के लिए कोई भी लगा सकता है, तो पुलिस इस मामले को फिलहाल जांच कर रही है। फिलहाल जो जांच है वो अलग अलग एंगल से हो रही है, एक तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंगल है, एक पिछले दिनों इनका विवाद चल रहा था स्लम रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट से लेकर, ये वो विवाद था, उस विवाद के एंगल से भी जांच हो रही है, और जो दूसरे विवाद जुड़े हैं उनसे उनके एंगल से भी जो जांच हो रही है, तो लगातार कई सारे एंगल है। हालांकि पुलिस की ओर से ये तो कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला लगता है, लेकिन क्या इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इन्वॉल्वमेंट है, इस पर पुलिस की ओर से फिलहाल कोई बड़ा बयान जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आया नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया। अब मैं 2 आरोपियों की बात करना चाहूंगा जो कि यूपी से, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से है। कहा जा रहा है कि जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था इस किलिंग का, शिव कुमार, वो पिछले कुछ महीनों से, आई मीन लगभग 1 साल से वो मुंबई में था, और जो धर्मराज है, जो दूसरा आरोपी है,
वो हाल ही में एक दो महीने पहले वो मुंबई आया तो उसे बुलाया गया था। इसी के साथ जो हरियाणा का जो आरोपी है कर्नल, वो भी हाल ही में जो है मुंबई पहुंचा। तो कहीं ना कहीं एक संगठित तरीके से किन लोगों ने इनको जो है सुपारी दी है। बिल्कुल, ये भी है कि इनको जो सुपारी की राशि है, जो रकम है, वो भी पहले दे दी गई थी। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए इनको दे दिए गए थे, बाकी देनी बाकी थी। मतलब एडवांस इनको मिल चुका था, 9.9 mm की पिस्टल बताई जा रही है जिससे हमला किया गया है, जिसमें हत्या मतलब डेथ हो गई है बाबर सिद्दीकी की। और इसके साथ ही जो दो नाम हम यहाँ पर बार बार ले रहे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यूपी के बहराइच के कैसरगंज के गंडारा से है, एक तो धर्मराज कश्यप है और दूसरा शिव कुमार है, जिसको लेकर अरुण ने आपको बताया कि शिव कुमार एक आरोपी, और फिर तीसरा जो हरियाणा से है वो है कर्नल, जो शिव कुमार है वो फरार है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि ये तीन लोग लगभग एक महीने से 25 से 30 दिन से रेके कर रहे थे। उनको पता था कि बाबा सिद्दीकी कब कहां जाते हैं, और उस वक्त वो उस ऑफिस से निकलने, जो कि बांद्रा ईस्ट का बताया जा रहा है, उनके बेटे का ऑफिस था जिशान का, वहां से वो निकल, बिल्कुल विधायक है, कांग्रेस से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, वहां से वो निकल रहे थे। और उस वक्त उन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग के तहत, अब तक क्या हुआ कि सलमान खान के जो भी करीबी रहे हैं उनको धमकाया गया, ये डराया गया कि आप अपने आप को साइड कर लो, आप दूरी बना लो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीधे हत्या कर दी है, क्योंकि गोलियां 6 और वो भी बिल्कुल पास से मारी है, तो जाहिर तौर पर कि वो हत्या के मूड से ही आए थे कि मर्डर करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो काफी समय से वहां रह रहे थे, उन्होंने घर ले लिया था किराए पर, तो वो अकेले तीनों नहीं कर सकते हैं, किसी ने उनकी हेल्प की है, कितने लोग शामिल थे ये अभी पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही रात की घटना हुई उसके बाद से लगातार मुंबई पुलिस की ओर से उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ साथ जब हरियाणा या यूपी का कनेक्शन सामने आया तो यूपी पुलिस से भी संपर्क किया गया, हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया गया। ये जो आरोपी है, इनके बैकग्राउंड क्या, इन पे कोई आपराधिक मामले दर्ज थे, कहा जा रहा है कि एक ही आरोपी था जिस पर आपराधिक मामले, उसका आपराधिक रिकॉर्ड, कुछ इस तरह की भी जानकारी थी शायद अरुण की, ये जेल में मिले थे जहाँ पर इनकी आपस में बात हुई है और ये तय हुआ है कि सुपारी दी जाएगी, फिर ये जाके इसको प्लानिंग के तहत आगे एग्जीक्यूट करेंगे। क्या डिटेल्स थी इस पूरे मामले में, कैसे इन्होंने इस तरह की प्लानिंग की और किस तरह से ये एक महीने पहले से ही रेकी कर रहे थे। देखिए सबसे अहम बात इसमें ये हो जाती है कि थ्रेट जो है अभी कुछ दिनों 15 दिन पहले ही दिया गया था, और तभी बात थी कि वाई सिक्योरिटी दी जाएगी। हालांकि अगर अच्छा ये एक बात हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि वाई सिक्योरिटी को, वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है इसको लेकर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि भाई वो भी फेल है, और सीधे इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से कर दी गई फडणवीस को लेकर कि भाई आप गृह मंत्री हैं, राजनीति बिल्कुल यहाँ पर शुरू हो गई कि आप गृह मंत्री हैं, क्या फायदा वाई कैटेगरी की आपने सिक्योरिटी दे रखी है, जब आप कोई आपको शूट ही कर जाएगा तो वो सिक्योरिटी किस काम की। ये क्लियर कर दे कि सिक्योरिटी के लिए आवेदन दे दिया गया था, उनके लिए पास कर दी गई थी, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट होता है, यानी कि जो उनकी सुरक्षा कर्मी है वो उनके पास अभी पहुंचे नहीं थे, उनके पास 2 ही गनर थे जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ है, थोड़े दिनों में उनको वो मिलने वाली थी, अभी मिली नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनके पास थी उस दौरान उन पर हमला हुआ है, अभी वो नहीं थी लेकिन मिलती उन्हें थोड़े दिन। इस तरह से आपने जिक्र किया कि सलमान खान के करीबियों को या जो वायरल पोस्ट है उसमें भी सलमान खान का जिक्र है, तो देखिए इस पूरे मामले को देखते हुए सलमान खान के घर की या उनके आसपास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि हमने देखा था जब ये मामला हुआ, जब अस्पताल में उनका पार्थिव शरीर रखा गया तो सबसे पहले जो उनके अस्पताल में पहुंचने वाले लोग थे उनमें से सलमान खान भी थे, बिल्कुल बहुत करीबी हैं, करीबी थे। ये भी कहा जाता है कि जो सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में, बिल्कुल 2013 में उनकी जो इफ्तार पार्टी है साल में एक बार होती है इनके टाइम पे, और बॉलीवुड में भी बहुत फेमस थे बाबा सिद्दीकी, तमाम सेलिब्रिटीज उनकी पार्टीज में जाते थे, अक्सर आपने वीडियोस देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे। 2013 में उनकी जो राइवलरी है, जो दुश्मनी काफी समय से चली आ रही थी, वो खत्म करवा के बाबा सिद्दीकी ने उन दोनों को गले मिलवाया। तब से ये जो बाबा सिद्दीकी है और इनकी जो इफ्तार पार्टी है ये चर्चाओं में आ गए थे, उसके बाद से तो आप सब जानते हैं क्या कुछ रहा। लेकिन सलमान खान के बहुत ज्यादा क्लोज रहे हैं बाबा सिद्दीकी, और शायद अभी तक ये माना जा रहा है, कंफर्म नहीं है, कि जो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, अब क्योंकि उन्होंने पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली है, लेकिन ये पूरा इन्वेस्टिगेशन इस पर होगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कौन सा गैंग था, कितने आरोपी थे, 2 की गिरफ्तारी हुई है अभी और बाकी हैं, कितने शामिल थे, धीरे धीरे करके तस्वीर साफ हो जाएगी। तो हरियाणा और यूपी दोनों जगह से कनेक्शन आ रहा है, लेकिन ये आपस में कैसे मिले, कितने दिन में प्लानिंग हुई है, ये धीरे धीरे जानकारी जैसे ही आएगी हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके साथ ही फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।